रूपाली गांगुली के बेटे ने रविवार विद स्टार परिवार में आते ही खोली माँ की पोल, सुनते ही खुला रह गया सबका मुंह। हेलो दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। रविवार विद स्टार परिवार के मंच पर जहां रूपाली गांगुली के ऑन स्क्रीन बच्चे उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, तो वहीं उनके असली बेटे रुद्रांश ने आते ही उनकी पोल खोलना शुरू कर दी। तो आइए बताते हैं आपको क्या कहा रुद्रांश ने रूपाली को लेकर। वेल, टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस रूपाली गांगुली को कौन नहीं जानता, जिन्होंने अनुपमा के जरिए दर्शकों का खूब दिल जीता है। उनका और गौरव खन्ना स्टारर अनुपमा टीआरपी लिस्ट में भी हमेशा टॉप पर रहता है। खास बात तो ये है कि अनुपमा में काम करते हुए रूपाली गांगुली ने अपने को स्टार से भी काफी अच्छे रिश्ते बना लिए हैं। इस बात का सबूत खुद उनके दो ऑन स्क्रीन बच्चों ने रविवार विद स्टार परिवार के मंच पर दिया है। वो रूपाली गांगुली के तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे कि इसी बीच उनके असली बेटे की एंट्री हुई, जिसने भरी महफिल में अपनी मम्मी की पोल खोल कर रख दी। दरअसल टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने पूरे स्टार परिवार के साथ रविवार विद स्टार परिवार के मंच पर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। इसी बीच छोटी अनु ने बताया कि किस तरह वो अनुपमा के साथ अनुपमा के सेट पर बहुत ज्यादा मस्ती करती है। दोनों साथ में सेट पर रील्स भी बनाते हैं और वो उसे बहुत सारा प्यार करती है। इसी बीच आशीष मेहरोत्रा ने भी रूपाली गांगुली के लिए अपने दिल की बात कह डाली। आशीष मेहरोत्रा ने रूपाली गांगुली को लेकर कहा, इस शो के दौरान मैंने अपने पिता को खो दिया था। उस वक्त मुझे ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मुझे समझे, और उसमें सिर्फ अनुपमा यानी रूपाली ही थी जिन्होंने मुझे संभाला, और इनसे मेरा एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बन गया। वेल, आशीष को तो आप जानते हैं, अनुपमा के बड़े बेटे जो हैं समर, उनके साथ उनकी बॉन्डिंग तो सीरियल में भी देखने को मिलती है। और जहां आशीष ने सबके सामने अनुपमा को लेकर इतनी बड़ी बात कह डाली, तो अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन इसी बीच एंटरटेनमेंट के खजाने यानी रविवार विद स्टार परिवार के मंच पर रूपाली गांगुली के असली बेटे रुद्रांश की एंट्री हुई। उसने आते ही सेट पर मम्मी की पोल खोलनी शुरू कर दी। रुद्रांश ने रूपाली को लेकर सेट पर बताया, मम्मा घर आती है, नहाती है, फोन देखती है और सो जाती है। ये सुनते ही अनुपमा सहित बाकी कलाकार का मुंह खुला रह जाता है। रुद्रांश की बात पर गौरव खन्ना चुटकी लेते हैं, बच्चे मन के सच्चे। वहीं अर्जुन बिजलानी उनके बेटे से एक्ट्रेस के बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं। वेल, जहाँ रुद्रांश ने रूपाली को लेकर इतनी बड़ी पोल पट्टी खोली है, तो ये सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ बात करें सीरियल की, तो सीरियल के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे किस तरह अनुज कोमा में चला जाएगा, और उसके कोमा में जाने से अनुपमा आपको काफी ज्यादा परेशान दिखेगी। तो दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दीजिए।